दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीपीसी के एमपी सिविल जज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, जो आपका एग्जाम है 14 जनवरी को। और इस वीडियो में बात करेंगे सीपीसी क्यों महत्वपूर्ण है और सीपीसी से क्या आने की संभावना है, सीपीसी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक, इंपोर्टेंट फैक्ट, और ये 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इससे आप अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर पाएंगे और आप कितने क्वेश्चन राइट कर रहे हैं। अगर आपका स्कोर 25 प्लस आ रहा है तो आपकी प्रिपरेशन राइट मोड में है, ठीक है। तो सीपीसी क्यों महत्वपूर्ण है ये जान लेते हैं। सीपीसी से जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, ऑनलाइन मोड में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं और कोई माइनस मार्क नहीं है एमपी सिविल जज में। जो आपका 14 जनवरी को प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें से 20 क्वेश्चन सीपीसी के आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीपीसी से 150 में से 20 क्वेश्चन आएंगे। और मेंस में भी सीपीसी का अच्छा वेटेज है। आपको पता है मेंस में 4 पेपर होते हैं, एक पेपर 100 नंबर का होता है, तो 100 में 3 क्वेश्चन आते हैं आपके सीपीसी से, 8 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। ये 2021 का मेंस का पेपर है, देखिए आप, सीपीसी 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 का 3, ठीक है, मेंस के। तो अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिग्री डिफाइन है, डिग्री को कहाँ डिफाइन किया गया है। डिग्री को सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। तो धारा 2 है जो, इसमें 20 मतलब परिभाषाएं दी गई हैं। तो 20 में से कोई भी एक या दो क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, तो आपको 20 कोई देखना है और इसमें से कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि डिग्री होल्डर को कहाँ बताया गया है, फॉरेन कोर्ट को कहाँ बताया गया है, फॉरेन जजमेंट को कहाँ बताया गया है, जजमेंट डेप्टर को कहाँ बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, तो धारा 2 से क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सप्लेनेशन आर देयर इन सेक्शन 11। धारा 11 है सीपीसी में, तो उसमें कितने एक्सप्लेनेशन है। सीपीसी में ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं और सेक्शंस हैं। क्वेश्चन आपके आते हैं ऑर्डर से डायरेक्ट, सेक्शन से आते हैं, रूल से क्वेश्चन आते हैं, और आपके क्वेश्चन आते हैं ग्राउंड बेस के। धारा 11 में कितने एक्सप्लेनेशन हैं, और इसके अलावा सीपीसी से केस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी एक्सप्लेनेशन आर देयर इन सेक्शन 11, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 10, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी एज फार एज जुडिशियल एग्जाम इज कंसर्न। सो 8 एक्सप्लेनेशन है, और पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहाँ पर है, और आपको ग्राउंड्स भी पढ़ने हैं कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी सेक्शंस में ग्राउंड्स हैं। तो जैसे धारा 13 है, धारा 32 है, धारा 75 है, धारा 94 है, और धारा 133 है। अब हम लोग फिर से देखते हैं, तो आप अगर इसको स्लो मोड में देखना चाहते हैं तो ऊपर से एक ऑप्शन आता है, उससे आपको वीडियो को आप स्लो मोड में देख सकते हैं। तो जो सेक्शन 13 है इसमें 6 ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 32 में 5 ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 75 में 7 ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 94 के 5 ग्राउंड्स, और सेक्शन 133 के 11 ग्राउंड्स। तो जो इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है, इवन फ्री में और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग मतलब ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टाइप की है, मैराथन, तो इसमें हम लोग कवर नहीं कर सकते इनको डिटेल में। आपको ये सब पढ़ना है, धारा 13, 32, 75, 94 और 133, डायरेक्ट धारा भी याद होना चाहिए इसमें क्या है, और ये ग्राउंड्स पूछ लेते हैं कि कितने ग्राउंड्स हैं, कौन कौन से, ये ग्राउंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है जैसे पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंड एंड प्लेंट, तो कहाँ पे है, इसमें 9 ग्राउंड है, ऑर्डर 7, रूल 1 में। तो सीपीसी में आपको पता है सीपीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का सीपीसी का वेटेज है प्री में, मेंस में 16 नंबर, और सीपीसी पहले 15 की आती थी, अब 20 कर दिया गया है। तो सीपीसी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सीपीसी बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप इसको स्कोर कर सकते हैं अगर आप जो इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस पर अगर आप फोकस करें तो, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन कहाँ पे सीपीसी में, तो रेफरेंस ऑर्डर 46 में है, रिव्यू ऑर्डर 47 में है, और रिवीजन कोई का ऑर्डर नहीं है, रिवीजन का धारा है 115। तो रेफरेंस 46/113 आप ऐसा इसको याद कर सकते हैं। तो रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब आपका जो सिविल जज का पेपर होगा इसमें रेफरेंस रिव्यू रिवीजन से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एमपीएलआरसी का रेफरेंस, एमपीएलआरसी का आपका रिव्यू और रिवीजन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये और आता है, रेफरेंस कौन कर सकता है, रिव्यू कौन कर सकता है, रिवीजन कौन कर सकता है, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो ये सब भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शन ऑर्डर इन सीपीसी, सीपीसी में कितने सेक्शंस हैं, ऑर्डर हैं। तो सीपीसी में 158 सेक्शन हैं, 51 ऑर्डर हैं, और कब से सीपीसी लागू हुई, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो सीपीसी में वैसे तो ऑर्डर हैं 51, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑर्डर से आपसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं आपका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 5 से 10, ऑर्डर 14, ऑर्डर 21, इनसे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ऑर्डर 16 है, 27 है, और 32 है, ये सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं जुडिशियल एग्जामों में अभी तक। डायरेक्ट पूछ लेंगे ऑर्डर 16 ए में क्या है, 27 ए में क्या है, और 32 ए में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रूल्स इन ऑर्डर 21, धारा 21 में, सॉरी ऑर्डर 21 में कितने नियम हैं।
तो आदेश 21 में कितने नियम हैं, तो आदेश 21 सबसे बड़ा आदेश है, इसमें 106 नियम हैं। तो जनरली कभी कभी अगर पेपर का देखो लेवल टफ करना है तो वो पूछ सकते हैं कि ऑर्डर जो 1 है उसमें कितने रूल्स हैं। जनरली ये ऑर्डर 21 का पूछते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपके नियम हैं, 106 नियम हैं अकेले इसमें ऑर्डर 21 में। लेकिन ऑर्डर 21 को जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो देखेंगे कि ऑर्डर 21 से पूरा नहीं पूछते, इंपॉर्टेंट रूल्स पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर 21 को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीपीसी आपको कौन कौन से पढ़ना है, अब हम लोग ये बात कर लेते हैं। तो जैसे प्लीडिंग है, प्लीडिंग आपको पढ़ना है सीपीसी में अच्छे से, प्लेंट पढ़ना है, रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ना है, रेस जुडिकाटा पढ़ना है, और सेट ऑफ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम से क्वेश्चन आ सकता है, और इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या डिफरेंस है, सेट ऑफ को कहाँ बताया गया है, काउंटर क्लेम को कहाँ बताया गया है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है, रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट, समन क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग्स, कितने प्रिंसिपल्स हैं प्लीडिंग के, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। और प्लीडिंग्स में क्या क्या शामिल है, सिविल नेचर सूट क्या है क्या नहीं है, स्टेजेस ऑफ सिविल सूट क्या है, पहले क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट आता है, प्लेंट होता है, समन, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं। और जजमेंट और डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं जजमेंट कहाँ बताया गया है, डिग्री कहाँ पे है, और इनसे मतलब डिटेल क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट इतने आपके क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आपसे जो आपका पेपर हो सकता है उसमें सीपीसी से केस भी आ सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट केस, एक या दो क्वेश्चन आपसे केस के आ सकते हैं। इसके अलावा सीपीसी में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन मुझे लग रहा है टाइम ड्यूरेशन के आ सकते हैं, 7 दिन 14 दिन 10 दिन 15 दिन 30 दिन, कहाँ पे कितने दिन हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो सीपीसी में 158 सेक्शन है, धारा 158 धारा हैं, तो इनमें से 10-15 धारा हैं डायरेक्ट जहाँ से इंडेक्स बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन पूछ लेते हैं, सबसिस्टेंस अलाउंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, तो धारा 6, 57, 26 और 77, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिर आपसे ऑर्डर वाइज क्वेश्चन आ सकता है, किस ऑर्डर में क्या है, तो ऑर्डर 20A, ऑर्डर 32A, ऑर्डर 16A और ऑर्डर 27A, जी ए वाले ऑर्डर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी। तो जैसे कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों की हाजिरी कहाँ है, तो ऑर्डर 16A में है, खर्चे 20A में है, कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित बात ऑर्डर 32A में है। तो नेक्स्ट फिर से ऑर्डर है, तो रेफरेंस कहाँ पे है, ऑर्डर 46 में है, रिव्यू कहाँ है, ऑर्डर 47 में है, तो रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन कौन कर सकता है, ये पूछा जाता है, और इनमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है आईएमपी रूल्स ऑफ सीपीसी, तो सीपीसी से सेक्शन बेस क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर आते हैं और रूल्स बेस, तो रूल्स गेम चेंजर हैं एग्जाम में, रूल्स हैं जो वो गेम चेंजर हैं। तो मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर कहाँ पे हैं, तो ऑर्डर 1 रूल 9 में है, जॉइंडर ऑफ केस ऑफ एक्शन कहाँ है, ऑर्डर 2 रूल 3 में है, प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक कहाँ है, ऑर्डर 7 रूल 17 में है। और आपको एक बात और दोस्तों याद रखना है कि प्लीडिंग सेल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, यहाँ एंड नहीं है और है, तो प्लीडिंग में क्या शामिल है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीडिंग अच्छे से पढ़िए, प्लेंट अच्छे से पढ़िए, रिटर्न स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा प्लीडिंग को कहाँ बताया गया है, किस ऑर्डर में, प्लेंट को किस ऑर्डर में बताया गया है, रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ है, सेट ऑफ कहाँ है, काउंटर क्लेम कहाँ है, एडमिशन कहाँ है, तो एडमिशन है ऑर्डर 12 में। इसके अलावा आपसे इंपॉर्टेंट रूल्स पूछे जाएंगे, रूल्स तो आपको मतलब जैसे ऑर्डर हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्डर पढ़ लीजिए आप, उनके ही इंपॉर्टेंट आपको रूल समझ में आ जाएंगे। जैसे प्लीडिंग टू बी साइंड कहाँ पे है, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट कहाँ पे है, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कहाँ पे है, टेम्प्रेरी इंजंक्शंस कहाँ पे है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर कहाँ पे है, तो ऑर्डर 38 रूल 1 से 4 तक क्या है, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है सीपीसी का एक्ट नंबर कौन सा है, तो एक्ट नंबर पहले पूछे जाते थे, अब शायद आए या ना आए, जैसे एक्ट नंबर पूछ लेते हैं, तो जो आपके जितने भी एक्ट आपके सिविल जज में आने हैं, चाहे वो MPLRC हो, अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट हो, IPC, तो इनके एक्ट नंबर ही पूछे जाते हैं। तो सीपीसी का क्या है, एक्ट नंबर 5 ऑफ 908, ठीक है, पूछ लेंगे। 36 एक्ट नंबर किसका है, लिमिटेशन का है कि IPC का है, एनन ऑफ दी, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा फाइन और रुपीस वाले सीपीसी से क्वेश्चन आते हैं, धारा 32 में कितने रुपए हैं, 95 में कितने रुपए लिखे हैं, तो ठीक है 32 में 5000 है, 95 में 50000, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। इसके अलावा धारा 32 के जो चार ग्राउंड, धारा 32 में क्या क्या है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, अटैच सेल प्रॉपर्टी है, 5000 रुपये फाइन है, इसमें पूछ लेंगे धारा 32 में कितने रुपए है, चार ऑप्शन दे देंगे, 3000, 5000, 2000, तो इसमें 5000 रुपये है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कैन प्लेंट रिजेक्ट इन फॉलोइंग ग्राउंड्स, आपसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेंगे क्या इन मामलों में प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है, तो कहाँ पे है, ऑर्डर 7 रूल 11 में,
तो डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट बार्ड बाय एनी लॉ या बैड बाय एनी लॉ, ठीक है। प्लेंट अगर डुप्लीकेट में फाइल नहीं हो रहा है तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो 6 ग्राउंड्स हैं जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, रट लीजिए, एमेंस के लिए भी हेल्पफुल है ये, आपको दोस्तों रटना ही पड़ेगा, मतलब रट लीजिए, समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट कहाँ पे है और डिक्री इन प्रीएम्प्शन सूट कहाँ पे है, तो ऑर्डर 20 रूल 13 और ऑर्डर 20 रूल 14। नेक्स्ट है क्या धारा 35 का के अधीन आदेश की अपील होगी, तो कौन से आदेश की अपील होगी कौन से नहीं, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो 35 का के अधीन जो धारा 35 का के अधीन जो आदेश है उसकी अपील होगी। इसके अलावा 91-92 जो धारा 91-92-95, तो इनके आदेश की भी अपील होगी। नेक्स्ट है IMP सेक्शन जहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जैसे क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी आ सकते हैं, हम लोग देख ले रहे हैं। विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा, इसके 6 ग्राउंड है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वह संपत्तियाँ जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति से आ सकता है। न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा, अनुपूरक कार्रवाई में कितने ग्राउंड है, 5 ग्राउंड से। अपील न्यायालय की शक्तियाँ और व्यक्ति न्यायालय में जो व्यक्ति न्यायालय में सुई उपसंग जाति से छूट पाने के हकदार होंगे, तो यहाँ से प्रीलिम्स के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और अब दो क्वेश्चन आपके लिए हैं कि कहाँ लिखा है परीक्षा का सार न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस ऑर्डर के किस रूल में लिखा है कि परीक्षा का सार न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा। और एक और क्वेश्चन है, इशू कितने प्रकार के होते हैं, इशू आर ऑफ ब्लैंक काइंड, से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है आपके लिए मेंस में आपको आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 10 नंबर का और सेटलमेंट ऑफ इशू 10 नंबर का। नेक्स्ट है हाउ मेनी रूल्स इन ऑर्डर 20, ऑर्डर 20 में कितने रूल्स हैं, तो आदेश 20 में 20 नियम हैं, 20 में 20 हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप स्टडी 16 को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे कर सकते हैं इस नंबर पर 7440895067। नेक्स्ट है नोटिस टू गार्डनसी कहाँ पे है, तो ऑर्डर 21 रूल 46 ए में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट IMP पूछा गया है, लिख लीजिए ऑर्डर 21 मोस्ट IMP है, आपको ऑर्डर 21 पढ़ के जाना है। और दोस्तों आपने जो पहला सेंटर कहाँ पे डाला है MPCJ का, तो सेंटर बताइए आप कमेंट बॉक्स में कहाँ पे आपने डाला है। नेक्स्ट है ऑर्डर 21 IMP है, तो इसमें अटैचमेंट टू ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ तक है, तो ऑर्डर 21 में है, रूल 41 से 57 तक, ठीक है। स्ट्राइक आउट इशू कहाँ पे है, ऑर्डर 14 रूल 5 में। नेक्स्ट है कैन कोर्ट इशू कमीशन, क्या इन मामलों में कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है या सुनू में, मतलब उसमें चार ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, एडजस्ट अकाउंट पार्टीशन, और जितने ग्राउंड्स हैं। धारा 75 काफ़ी महत्वपूर्ण है CPC में। नेक्स्ट है चूज आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इन अपील में लाई इन ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी, तो नो अपील से लाई फ्रॉम अ डिग्री पास्ट बाय कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं आपसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चन आपसे केस से आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन अमेंडमेंट से भी आ सकते हैं, और इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मोहन रेसाइडिंग इन मुंबई बीट सोहन इन दिल्ली, सोहन में सुई मोहन, तो कहाँ पे, तो आइदर इन मुंबई और दिल्ली, तो इस टाइप से भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेंसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वैक्सीटियस क्लेम और डिफेंस कैन बी अवार्डेड अप टू, तो इसका राइट आंसर है 3000 रुपीज़। नेक्स्ट है थ्री मैक्सिम ऑफ रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैक्सिम से क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है। इंटरेस्ट पब्लिके ओटसेट फिनेसलिटियम नेमो डेविट लेस वैक्सारी प्रो ऊना एटेडोम क्यूजा और रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओसीपिटर, तो इन तीनों मैक्सिम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है IMP केसेस से आपके जो इंपॉर्टेंट केस हैं, तो अब इससे भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आएंगे शायद, तो जैसे सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मनोहर लाल सेठ हीरालाल डारियो बनाम UP, धूलाबाई वर्सेस UP, मॉर्गन स्टैनली कार्तिक दास, एफ कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन बार्की, स्टेट ऑफ UP नवाब हुसैन डचेस ड्यूस ऑफ किंगडम, मुनि बेबी वर्सेस त्रिलोकनाथ और बैराम पस्तूनजी करावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 89 जो धारा नवासी है CPC, उसे भी केसेस आ सकते हैं। तो मेंटेनेंस एक क्वेश्चन आपके लिए फिरते हैं कि मेंटेनेंस में जो कितनी सैलरी आपकी अटैच हो सकती है मेंटेनेंस के एग्जीक्यूशन में, और 80 CPC धारा 80 CPC में नोटिस है ये कितने दिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल इम्प्रिजनमेंट कैन बी मेड इफ द डिग्री इज फॉर पेमेंट ऑफ तो नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़। नेक्स्ट है केवीएट सेल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, तो इसका राइट आंसर है 90 डेज। और नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम, तो रेस्टिट्यूशन कहाँ पे है ये क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन आपको दे देंगे, और एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेविट। नेक्स्ट है दस्ती समन्स गिवन अंडर CPC, तो कहाँ पे है, ऑर्डर 5 रूल 9 ए में है।
तो पेपर दो प्रकार से आ सकता है सीपीसी का, एक तो सरल और एक कठिन। यानी सीपीसी में जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें आएंगे तो क्या इंडेक्स बेस पूछेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट रूल्स, और एक दो केस जनरल। लेकिन अगर पेपर टफ आया तो डायरेक्ट के फिर अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम पीरियड पूछ लेंगे और ठीक है, तो इस टाइप से आ सकता है। इसके अलावा आपसे इंपॉर्टेंट रूल्स देख ले रहे हैं हम लोग, जैसे रिकॉलिंग ऑफ फिटनेस कहाँ पे है पूछ लेंगे, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ पे है, रिस्टोरेशन कहाँ पे है, डिलीटेशन ऑफ एडिशन ऑफ पार्टीज कहाँ पे है, एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पे है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे है, अदर इंपॉर्टेंट रूल्स में ऑर्डर 9, रूल 7, 9, 9, 13, ऑर्डर 41, रूल 19, ऑर्डर 41, रूल 27, और इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सीपीसी अमेंडमेंट 1999 एंड 2002 इनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, तो मलिमत कमेटी है। गार्निसी का मतलब क्या है, तो जजमेंट डेप्टर डेप्टर है, और कितने एडजमेंट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 3। सेटिंग असाइड एक्सपायरी डिग्री कहाँ पे है, तो ऑर्डर 9 आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ऑर्डर 9, ऑर्डर 21, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर, राइट। सेट ऑफ कैन बी, सेट ऑफ कितने प्रकार का होता है, तो लीगल और इक्विटेबल। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस टाइप से हम लोग और भी वीडियो देख सकते हैं, तो सपोर्ट करिए चैनल को। थैंक यू।